Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello, good morning. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया की number one study channel Wi-Fi Study पे. तो guys, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि daily सुबह 5 बजे Monday to Monday आपको एक important session मिलता है 10-15 मिनट का, जिसके अंदर हम important questions है जो कि आज के newspaper के होते हैं सुबह के, वो हम cover करते हैं. उम्मीद है आप इसे regular देखते होंगे, share जरूर करते होंगे ताकि सभी बच्चे देख सके और अपनी knowledge को improve कर सके. साथ में सुबह 8 बजे वाला session भी देखा करो guys. अगर आपको हर चीज का past, present, future, हर चीज का background जानना है, detail में किसी भी news को जाननी है, तो सुबह 8 जो वाला सेशन देखा करो. मानता हूं हाफ एन आवर का होगा ये सेशन, लेकिन आधे घंटे के अंदर जो आपको नॉलेज मिलेगी वो बहुत ज्यादा ट्रिमेंडियस होगी और बहुत आपको एग्जाम में और आपके लाइफ के अंदर काम आएगी. तो ये सेशन के साथ में आधे घंटे का और देख लिया करो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है जो कि आपकी हो जाएगी. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको इन सब क्लासेस की PDF और साथ में वीडियोस चाहिए, कोई भी एग्जाम रेट हो गया या कोई भी एग्जाम आप इंडिया में तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी के ऊपर तो रेफरल कोड BHUNESH भुवनेश 10 यूज कर सकते हो, 10% ऑफ मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. अगर मेरे कोर्स की बात करें दोस्तों, तो CHSL के अंदर मेरा कोर्स चल रहा है गाइज, एक साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो SSC का, तो अभी मेरा CHSL का कोर्स चालू हुआ है जिसके अंदर ज्योग्राफी मैंने एंड करी है और अभी हिस्ट्री है जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगी. ज्वाइन कर लेना. फिर पॉलिटी भी पढ़ाने वाला हूँ, फिर इको पढ़ाने वाला हूँ और साथ में दोस्तों आप सभी लोगों के लिए 10 फरवरी से करंट अफेयर जो है CGL और CHSL का वो भी लॉन्च हो रहा है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा. इसके बाहर करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे और मेरे अलावा आपको मैथ, इंग्लिश, GS और रीजनिंग ये सारी क्लासेस भी मिल जाएगी. और आपको रेफरल कोड क्या यूज़ करना है, भुवनेश 10 आपको यूज़ करना है. इसका जो लेवल है वो मैंने बहुत अच्छा रखा हुआ है. आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे कोई UPSC हो, PCS हो, SSSC एग्जाम हो, SSC एग्जाम हो, कोई सा भी, सारे एग्जाम के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. ठीक है, साथ में SBI PO क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं, टीम AVP और साथ में मेरी करंट अफेयर यहाँ पे भी स्टार्ट होने वाली है, भुवनेश 10 यूज़ कर सकते हैं. इसी तरीके से रेलवे में भी अगर आपको बूस्टर ज्वाइन करना है कंप्लीट कोर्स, तो यहाँ पर भी आप भुवनेश 10 है जो कि यूज़ कर सकते हैं. चलिए पहला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे. निम्नलिखित में से किस देश ने टिड्डियों से लड़ने का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो जो ये टिड्डे हैं दोस्तों, लोकास्ट है, ये आपको मालूम है हमारे कंट्री के जो हमारे वेस्टर्न पार्ट है, जैसे कि राजस्थान में भी काफ़ी नुकसान हुआ, गुजरात में, और अभी बोल रहे हैं पंजाब के वाला जो एरिया वहाँ पर भी देखने को मिला है, और साथ में पाकिस्तान, यहाँ पर दोस्तों काफ़ी भारी अटैक हुआ है और काफ़ी जो है वो फसलों का जो है वो उसकी वजह से नुकसान है जो कि हो चुका है. तो पाकिस्तान ने तो इस वजह से क्या कर दी है, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी है जो कि घोषित कर दी है. ठीक है, पाकिस्तान की बात करें तो इमरान खान, जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, यहाँ पे प्रधानमंत्री है, कैपिटल इस्लामाबाद, सबसे बड़ी सिटी यहाँ पे कराची है दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू है जो कि बोली जाती है. साथ में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, अभी प्रेसिडेंट है यहाँ पे आरिफ अलवी. ठीक है, कई बार जो है यहाँ के चीफ जस्टिस के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो गुलजार अहमद करके है जो कि यहाँ पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हैं. साथ में जैसा कि आपको मालूम है सीनेट और नेशनल असेंबली यहाँ पे दो अपर हाउस और लोअर हाउस है. 14 अगस्त 1947 को ये इनको आज़ादी हुई थी और 14 अगस्त को 1973 को इनका कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बना था भारत से काफ़ी लेट. पॉपुलेशन की बात करें 20 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है. पर कैपिटा इनकम दोस्तों काफ़ी कम है, नियर बाय 1300-1400 डॉलर है, भारत से भी बहुत ज़्यादा कम है. ठीक है,
रुपी यहाँ पे करेंसी है जो कि चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से टिड्डों का अटैक है जो कि देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सरकार ग्राहकों को खरीदारी करते समय बिल देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपए से डैश के बीच लॉटरी ऑफर लाने की योजना बना रही है। तो लोग क्या करें दोस्तों, जीएसटी को फिल करें, एनकरेज कर रहे हैं कस्टमर को ताकि आप बिल लो हर किसी आदमी से। अगर आप बिल लोगे तो अगला आदमी क्या करेगा, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी दुकान वाले की या कोई भी सामान वाले की, फिर उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। तो कस्टमर को एनकरेज करने के लिए सरकार लॉटरी ऑफर लेके आने वाली है। 10 लाख रुपए से जो है ना 1 करोड़ तक का लॉटरी है जो कि आपका निकल सकता है अगर आप क्या कर रहे हो तो जीएसटी, अगर आप बिल है जो कि ले रहे हो तो, समझ गए। तो जो सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम जो है उनके मेंबर है जॉन जोसेफ, उन्होंने बोला है कि हर बिल जो है वो जीएसटी के अंडर में आए ताकि ताकि क्या हो, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए और कस्टमर क्या करे, उनको लॉटरी मिल जाए, उनको इंसेंटिव मिल जाए इस तरीके से। तो ये प्लान है जो कि किया जा रहा है दोस्तों, हर एक बिल को पोर्टल के ऊपर अपलोड किया जाएगा, ड्रॉ निकाला जाएगा ऑटोमेटिकली और विनर्स की घोषणा है जो कि करी जाएगी, जिससे लोगों को क्या फायदा होगा। आपको मालूम है 4 जो है कैटेगरी में जीएसटी स्टार्ट कर रखा है, 5, 12, 18, 28% के अंदर। सेस भी लगा रखा है लग्जरी के ऊपर, सिन और डिमेरिट गुड के ऊपर दोस्तों, जो कि हाईएस्ट टैक्स रेट है। तो ये नया तरीका है जो कि सरकार ने निकाला है, होपफुली ये जो तरीका है, योजना है, वो तो काफी अच्छी है और देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा होता है। अगर ये सक्सेसफुल है तो जीएसटी के अंदर जो हमारे रेवेन्यू है उनको काफी जो है उछाल मिलेगा। हमारा टारगेट होता है कि हम हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो जीएसटी से कमाएं, ये सरकार का टारगेट होता है, ठीक है। पिछले प्रत्यक्ष कर विवादों को निपटाने के लिए डैश जो है डील उचित सौदा प्रदान करता है, जल्दी से बताइए, जो अभी एक स्कीम ऑफर करी गई है ताकि सेटल कर सके पास्ट में जो डायरेक्ट टैक्स के डिस्प्यूट है ना उसको लेकर। तो ये कौन सी स्कीम स्टार्ट करी जा रही है दोस्तों, विवाद से विश्वास नाम की, विवाद जो है विश्वास नाम की जो स्कीम है वो लॉन्च करी जा रही है। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, आपको मालूम है इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है, इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स हो गया आपका, ओके, और कैपिटल गेन टैक्स हो गया, ये सब डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है। तो वहां के जो चेयरपर्सन है पीसी मोदी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि वो क्या करेंगे, डायरेक्ट टैक्स के जो भी डिस्प्यूट है ना उसको रिजोल्यूशन स्कीम के तहत सॉल्व करेंगे, जो भी पेंडिंग के टैक्स के डिस्प्यूट चल रहे हैं, और लोगों को बोलेंगे कि आप आगे आओ अपना टैक्स भरो। करंटली दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, 5.25 लाख डायरेक्ट टैक्स के केसेस है जो कि कई जगह पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इसीलिए नई स्कीम लेके आई गई है दोस्तों, बजट में अनाउंसमेंट किया गया था विवाद से विश्वास नाम की, ठीक है। चलिए इसके अंदर क्या होगा कि जो अगर रिजॉल्व कर लेता है कोई मैटर तो कंप्लीट वेवर मिलेगा उनको इंटरेस्ट और पेनल्टी के ऊपर, तो ये यहाँ पे बोला गया है। भारत और डैश ने मंगलवार को अपने शोध और उच्च शिक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करे हैं। तो देखो अभी 4 MOU जो है वो साइन हुए हैं दोस्तों, किसके बीच में, इंडिया और नॉर्वे के बीच में जो है ना ये 4 MOU है जो कि साइन करे गए हैं, ओके, ठीक है। डिफरेंट फील्ड के अंदर मेजरली रिसर्च और हायर एजुकेशन के अंदर जो है ये किया गया है। नॉर्वे की बात करें दोस्तों तो आपको मालूम है ओस्लो है जो कि यहाँ की कैपिटल है, क्रोन, ओस्लो यहाँ की कैपिटल है, क्रोन है जो कि यहाँ की करेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर कैपिटल इनकम की बात करें दोस्तों तो काफ़ी ज़बरदस्त पर कैपिटल इनकम है, ऐसे बोलते हैं यहाँ का हर एक सिटीजन जो है वो मिलेनियर है, समझ रहे हो। तो $82,000 यहाँ की पर कैपिटल इनकम है। पॉपुलेशन की बात करें तो कोई 60 लाख के आसपास की, ठीक है, 60 लाख के आसपास की जो है यहाँ पे पॉपुलेशन है, 60 लाख के आसपास की जो है यहाँ पे पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। और यहाँ पे अभी बात करें प्राइम मिनिस्टर की दोस्तों तो PM कौन है, एर्ना सोलबर्ग करके, जो कि अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री है, ध्यान रखिएगा, समझ गए। करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनका बना था जो वो 1905 के टाइम पे, 1905 में नहीं 1814 के टाइम पे बन गया था, ओके, 1814 को ही जो है, काफ़ी पुराना, मतलब हमसे नियर बाय 125-150 साल पहले जो है इनका कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बन गया था दोस्तों। स्वीडन और नॉर्वे ने जो है वो अलग हुए थे 1905 के अंदर और दोनों अलग देश थे जो कि बन गए थे, ठीक है। दुनिया में HDI के अंदर भी नंबर 1 के ऊपर है, अगर मैं नॉर्वे की बात करूँ तो HDI हो गया, हैप्पीनेस हो गया, समझ रहे हो, साथ में
और भी बहुत सारी जो अच्छी अच्छी रैंकिंग है, सब जगह नॉर्वे नंबर वन पर है। करप्शन की बात करें तो सबसे लीस्ट करप्शन भी जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो कई सारी यूनिवर्सिटीज के बीच में हुआ है, जैसे कि अपनी IIT दिल्ली है, वहाँ की UIT है, आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे है, उन्होंने किया है दोस्तों, साथ में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है ना अपनी, उन्होंने UIT के साथ में किया है। ओके, तो ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटी के साथ में, IIT जम्मू के साथ में भी कोलैबोरेशन किया गया है, तो कई सारी यूनिवर्सिटीज के साथ में कोलैबोरेशन किया गया है। डैश नाम का बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड है जो कि मिला है। किसको मिला है दोस्तों? सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? हमारे RBI के जो गवर्नर है दोस्तों शशिकांत दास, उनको इस अवार्ड से, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों तो इनका जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है, उड़ीसा जो भुवनेश्वर है वहां से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ओके, और सीनियर IAS ऑफिसर थे, 1980 बैच के, तमिलनाडु कैडर के थे। अभी प्रेजेंटली 25वें गवर्नर है किसके? RBI के। ठीक है, तो जिस तरीके से स्ट्रेसफुल टाइम निकला है दोस्तों, और उनको रिवाइव करने को लेकर, RBI के काम करने को लेकर मिला है। जो पहले 15वें फाइनेंस कमीशन है उसके मेंबर भी हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है, इंडिया के शेरपा थे G20 के अंदर, और इंडिया के अंदर तो काम करने से पहले, इंडिया के लिए काम करने से पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए काफ़ी काम किया है, रेवेन्यू सेक्टर सेक्रेटरी थे, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी जो है वहाँ से हुआ करते थे, ठीक है। और स्टीफन्स कॉलेज जो है वहाँ से इन्होंने अपनी डिग्री है जो कि करी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वहाँ के स्टूडेंट रहे अपने टाइम में, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल टाइम्स की एक मैगजीन है जिसका नाम है द मैगजीन है द बैंकर नाम से, उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो शशिकांत दास है इनको सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड है जो कि दिया है दोस्तों एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। डैश भारत की वापसी के बाद अधिक ताड़ का तेल खरीदकर मलेशिया को क्षतिपूर्ति करेगा, तो कौन सा ऐसा देश है जो कि ज्यादा पाम ऑयल खरीदेगा मलेशिया से, क्योंकि इंडिया ने पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। मलेशिया का जो स्टैंड रहा है दोस्तों भारत के प्रति, CAA कश्मीर इशू के ऊपर काफी खुल के बोला मलेशिया, और उसके वजह से भारत ने वहां से इंपोर्ट करवाने बंद कर दिया पाम ऑयल। और अभी कौन सा देश है? पाकिस्तान है, जो कि ये बोल रहा है कि हम कंपनसेट करेंगे मलेशिया को। पाकिस्तान 1.1 मिलियन टन खरीदा करता है और भारत 4.4 मिलियन टन है जो कि खरीदा करता है, तो भारत के पास तो ऑप्शन है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है अभी इससे ज्यादा खरीद के क्या करेगा, कंपनसेट है जो कि करेगा, ठीक है। वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है जो कि दोस्तों इसका है, और एक्सपोर्टर है एडिबल ऑयल का। ओके, चलिए मलेशिया के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। दुनिया में सबसे बुजुर्ग जो प्रधानमंत्री है वो अभी कौन है? मलेशिया के ही है, महातीर उनका नाम है दोस्तों। कुआलालंपुर यहाँ की कैपिटल है दोस्तों, इस 94 ईयर की है, मतलब इनकी उम्र की बात करें। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो क्या चलती है? रिंगिट है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो माले करके है दोस्तों यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुआलालंपुर मैंने कैपिटल बताई थी, कुआलालंपुर यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर बताई दिए, और प्रेसिडेंट वेसिडेंट तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, प्रेसिडेंट यहाँ पे होती भी नहीं है वैसे पावर यहाँ पे। इसके अलावा सिंगापुर से ही अलग हुआ था 1965 के टाइम पे, है ना, 1963 के अंदर जो है मलेशिया का फॉर्मेशन हुआ, 65 में सिंगापुर जो है वो इससे अलग हुआ। नियर बाय 3-4 करोड़ की यहाँ पे पॉपुलेशन है। पर कैपिटा इनकम की बात करें दोस्तों तो कोई $11,000 है US डॉलर, तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें इंडिया से तो 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, वर्ष 2020 के लिए विश्व कैंसर दिवस का विषय क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे कब आता है दोस्तों? कल जो तारीख थी 4 फरवरी, कल था वर्ल्ड कैंसर डे, पहली बात तो ये। थीम जो रखी गई है साल की वो रखी गई है I am and I will, तो वर्ल्ड कैंसर डे जो कि 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों, 2020 की थीम I am and I will है जो कि रखी गई है। ओके, कैंसर होता किस वजह से है दोस्तों? हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं उनकी अबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है जो कि होने लगती है, ओके, हमारे टिश्यू के अंदर या फिर किसी बॉडी के ऑर्गन के अंदर। तो कैंसर की बात करें तो बॉडी के अंदर कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स है जो कि होते हैं, और उसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? कैंसर है जो कि हो जाता है। कैंसर के कोई एक या दो रीजन नहीं है दोस्तों कि कैंसर किसी एक वजह से होता है, कैंसर के बहुत सारे रीजन है जो कि होते हैं। सबसे पहले छोटा सा ट्यूमर होता है जो कि बाद में बड़ा हो जाता है,
कफ आने लगता है, अबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, वेट लॉस होने लगता है, ठीक है, और धीरे धीरे जो है वो कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नियर बाय 100 टाइप के कैंसर है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं दोस्तों, 100 टाइप ऑफ कैंसर होता है, समझ गए, ठीक है। टैबैको जो है दुनिया में मेजर कॉज है कैंसर का, दुनिया के अंदर 22% जो डेथ होती है दोस्तों वो सबसे मेजर रीजन क्या है उसका, तंबाकू, टैबैको जो है उसके वजह से जो है सबसे ज्यादा कैंसर है जो कि दुनिया में होते हैं दोस्तों। 10% जो है वो मोटापे की वजह से, पुअर डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, ज्यादा अल्कोहल पीना, उसके वजह से भी दुनिया में कैंसर होता है, और 10% लोग हैं जो कि उसके वजह से भी मर जाते हैं। साथ में रेडिएशंस के इफेक्ट, एनवायरनमेंट का जो पोल्यूशन है, ठीक है, ये सब भी एक बहुत बड़े मेजर कारण है जो कि देखने को मिले हैं। 5-10% तो कई जगह जेनेटिक डिफेक्ट है जो कि देखने को मिले, उसके वजह से भी पेरेंट्स से बच्चे में के भी जो है आ जाता है। और ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि ये काम करते हैं, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी है जो कि कैंसर की स्टडी को बोला जाता है दोस्तों, समझ गए, ठीक है। यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा सर्वाइवल देखने को मिलते हैं, नियर बाय 66% यूएसए में जो है वो सही हो जाते हैं। अगर मैं 2015 का डाटा जो कि मुझे याद है, दुनिया में नियर बाय 88 लाख लोगों की जो है वो डेथ हुई थी, अभी तो और बढ़ गया होगा ये नंबर, लेकिन आप देख सकते हो कितने ज्यादा लोग हैं जो कि कैंसर की वजह से मर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही के केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 2020-21 के लिए भारत सरकार का विनिवेश लक्ष्य क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि कई सारी कंपनियों के जो शेयर होते हैं ना, कई सारे जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, ओके, उनके शेयर बेच के जो पैसा रिकवर करना है उसका टारगेट 1.2 लाख करोड़ है, जिसमें मेजरली एयर इंडिया को बेचने का टारगेट है जो कि बिक नहीं पा रही है बिकॉज काफी लॉस में गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं 90,000 करोड़ रेवेन्यू जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट से जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है LIC और IDBI जिसके अंदर मेजर है, साथ में एयर इंडिया मेजर है, ये सब, ओके। चलिए, हाल ही के केंद्रीय बजट के अनुसार GDP के प्रतिशत में व्यक्त किए गए 2020 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है, फिस्कल डेफिसिट आपको बताना है, होता क्या है, कितना पैसा आपने कमाया यानी कि रेवेन्यू कितना कमाया, ठीक है, और साथ में कितना आप खर्चा करना चाह रहे हो, दोनों के जो बीच का गैप है दोस्तों, हम क्या करते हैं, रेवेन्यू हम कम करते हैं, खर्चा ज्यादा करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने 7 रुपए कमाए, 10 रुपए लगा रहे हो आप, तो कितने का घाटा हुआ, 3 रुपए का घाटा हुआ। उसी तरीके से दोस्तों कि हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग 30 लाख एंड 42,000 करोड़ जो है हम लोगों का खर्चा है, और हमारी उम्मीद है कि हम 28 लाख करोड़ रुपए तक जो है वो कमा लेंगे, यानी कि नियर बाय 3.5% का घाटा है जो कि हमें मैनेज करना है। तो ये टारगेट है जो कि रखा गया है। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 2019-20 का ये वाला रहा है 3.8, और इस बार का 2020-21 का ये वाला 3.5 है जो कि रखा गया है, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, ओके, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट 3.3 रखा गया था, लेकिन ये 3.3 हुआ नहीं था, ओके। चलिए, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी को मालूम है जोकोविक ने अपना एक और जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट है जो कि जीत लिया है दोस्तों, सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और किसको हराया, डोमिनिक प्लेयर है दोस्तों ऑस्ट्रिया के, इनको हराया ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल के अंदर। 17वां ग्रैंड स्लैम है दोस्तों जोकोविक का, और दुनिया में 3rd नंबर के ऊपर पहुंच चुके हैं मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम जीतने के ऊपर। सबसे नंबर 1 पे फेडरर है, उसके बाद में नाफिल नडाल है, ओके, और 3rd नंबर के ऊपर जोकोविक पहुंच चुके हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। IRCTC की तीसरी निजी ट्रेन वाराणसी और भारत के किस शहर के बीच में चलने वाली है, तो IRCTC आपको मालूम है दोस्तों कई सारे प्राइवेट ट्रेन लेके आ रहा है, और अभी जो तीसरी ट्रेन है, पहली तो कौन सी थी, दिल्ली से लखनऊ, फिर दिल्ली से कटरा, अभी जो है वो कहां से, वाराणसी से इंदौर के बीच में है जो कि चलाई जा रही है। आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं रिसेंट अनाउंसमेंट चेयरमैन जो है रेलवे बोर्ड के यादव साहब, उनके द्वारा किया गया है दोस्तों वाराणसी और इंदौर के बीच में, पहले से ही ऑलरेडी लखनऊ, और दूसरी वाली अहमदाबाद मुंबई है, दूसरी वाली जो है प्राइवेट ट्रेन वो दिल्ली नहीं है, ये है अहमदाबाद और मुंबई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझ गए। ARCTC के बारे में बात करें तो दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है दोस्तों, और
टिकट बुक करना, ऑफलाइन बुकिंग करना, ऑनलाइन बुकिंग करना, केटरिंग, टूरिज्म, ये सारे काम है जो कि ये करती है दोस्तों, ठीक है। ओके, इंडियन रेलवेज की क्या है, सब्सिडरी है दोस्तों, और नियर बाय 5 से 6 लाख की बुकिंग है जो कि ये हर डे ने जो कि करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट कर दिया गया था इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा 2019 के अंदर, और 112 गुना जो है आईपीओ उसका सब्सक्राइब हुआ था, समझ रहे हो। नियर बाय 300-350 रुपए का प्राइस है जो कि पर शेयर है जो कि आईपीओ के अंदर हुआ था, उसके बाद काफी महंगा बिका था। पहली प्राइवेट ट्रेन जो तेजस एक्सप्रेस है जो कि चलाई थी, ओके, और जैसा कि आप सभी को मालूम है उसके बाद में सेकंड अहमदाबाद वाली चला दी, और अभी तीसरी जो है इन्होंने ये वाली चला दी है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अनअकैडमी पर कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, तो आप भुनेश 10 है जो कि रेफरल कोड यूज कर सकते हो, 10% ऑफ, और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस मिल जाएगी। गाइस ध्यान रखिए, मेरा करंट अफेयर स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया करंट अफेयर की जो मेरी क्लासेस है वो 10 फरवरी से लॉन्च हो रही है। सीजीएल और सीएचएसएल के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, एक साल का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा गाइज, ताकि एक साल के अंदर जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, जेई, स्टेनो, सबके अंदर आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज है जो कि मिलेगी, और साथ में मेरी क्लासेस भी आपको हमेशा यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। अभी मेरी क्लासेस सीजीएल सीएचएसएल में चल रही है, सीएचएसएल में हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है, तो पहली क्लास से ज्वाइन कर लो गाइज, मजा आएगा पढ़ने में। इससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर आपको बाहर नहीं मिलेगा। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, फिर ओपन करनी है, फिर आपको अपना गोल सिलेक्ट करना है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपको आईआईटी देना हो, चाहे आपको नीट देना हो, कैट, बैंक, कोई सा भी एग्जाम देना हो, रेफरल कोड आप भुनेश 10 यूज कर लो, 10% ऑफ, और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर प्लस में जाना है, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में, फिर आपको 6 महीने 12 महीने का ऑप्शन मिलेगा, 12 महीने का ले लेना, मात्र 500 रुपए पर मंथ पड़ेगा आपके, ठीक है। और रेफरल कोड आपको लगाना है BHUNESH, भुनेश 10 डाल के अप्लाई कर देना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, नियर बाय 18,000 के आसपास बच्चे जुड़े हुए, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वीडियो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अंडर 19 विश्व क्रिकेट कप की सबसे सफल टीम कौन सी है, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज का आपका, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, वापस से मिलेंगे सुबह 8 बजे, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।